नमस्ते, पंजाब टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकेत सुमन। पंजाब टुडे के इस पेशकश में आज बात सुखपाल खैरा की होगी। सुखपाल खैरा ने जिस तरीके से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजनीति को एक नई दिशा देने की कोशिश की है, हालांकि राजनीति में कई ऐसे राजनीतिक दल आते हैं जब वो नए नए होते हैं तो नई दिशा देने की बात तो हर कोई कहता है, लेकिन शायद आज तक कोई ऐसी दल, कोई ऐसी पार्टी नहीं हो पाई जिसने राजनीति को एक नई दिशा दी हो। तो आज बात सुखपाल खैरा के उन बयानों पर। सबसे पहले एक रिपोर्ट से रूबरू कराते हैं आपको। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि आखिर सुखपाल खैरा कहना क्या चाहते हैं। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और पंजाबी एकता पार्टी के अध्यक्ष सुखपाल सिंह खैरा 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए तैयार नजर आ रहे हैं, जिसे लेकर वो काफी एक्टिव भी दिखाई दे रहे हैं। पार्टी से इस्तीफा देने से पहले और इस्तीफे के बाद से लेकर अब तक खैरा हर दिन मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं और पंजाब की तमाम पार्टियों को वो टारगेट कर रहे हैं। अभी तो 70 साल की आजादी के बाद लोगों के पास घर नहीं है, बहुत सारे लोग पंजाब में बेघरे हैं, लोगों को जो क्वालिटी एजुकेशन है वो नहीं मिल रही गाँव में, लोगों को हेल्थ केयर सर्विसेज, क्योंकि सारे लोग अमीर नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के तरफ नहीं जा सकते, तो लोग जो बुनियादी सहूलतें हैं वो नहीं आज 70 साल के बाद पहुंच सकी। अपने बहुत सारे गांव हैं पंजाब में जिनकी अभी गलियां नहीं बन सकी हैं, जहां पानी, पीने वाला पानी साफ नहीं पहुंच सका है, जहां बहुत बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अभी पंजाब में बहुत लैकिंग है, बहुत कमी है। इसके अलावा खैरा ने ये भी दावा किया कि उनकी पार्टी जो वादा करेगी अगर उनकी सरकार बनी तो 2 साल में इन वादों को पूरा करेंगे। इसके लिए चुनाव आयोग को शपथ पत्र भी देंगे। पंजाबी एकता पार्टी का मकसद है पंजाब की जो गरकती हुई राजनीति है, जो भ्रष्टाचार, जो बहुबली पॉलिटिक्स और जो खुशामद का बोलबाला है, इसको ख़त्म करना है। जो चंद परिवारों ने, जो रवैती पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स हैं, उन्होंने सारी सत्ता केंद्रित कर रखी है खुद में और सारे पंजाब के व्यापारों के ऊपर मोनोपोली कर रखी है। इस मोनोपोली को तोड़ना पंजाबी एकता पार्टी का काम है और हमारे उद्देश्य रहेंगे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर को इम्प्रूव करना है, रोजगार देना है, भ्रष्टाचार बंद करना है, एनवायरनमेंट को देखना है और पंजाब में जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको इम्प्रूव करना। बहुत सारे हमारे इस तरह के एजेंडे हैं जो हम अपने आगामी जो इलेक्शन के समय के ऊपर रोड मैप और विजन डॉक्यूमेंट देंगे उसमें डालेंगे। वहीं नशे के मसले पर खैरा कुलबीर जीरा के साथ नजर आए और उनकी हिम्मत की दाद दी। हुण कुलबीर सिंह जीरा ने सारा पर्दा फाश कर दिता, हुण उन्हें बजाय के माफिया के खिलाफ एक्शन लैन, बजाय के पुलिस वाले जिहड़े प्रोटेक्ट करते हैं, जो ब्लैक शीप इन द पुलिस, बजाय के उन्होंने खिलाफ एक्शन लैन, वह जीरे को जाखड़ साहब कारण दसो नोटिस दे दिता। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, एक बिल्कुल ढुकदा है अज की डेट में। इन्हों चाहिए सगा अमरिंदर सिंह के जीरे को सद दे, किहड़ा किहड़ा जीरे जिले तो फिरोजपुर के नैक्सज आ सानू दस, असी वो शंटी करते हैं पुलिस वाले की, उन्होंने असी सज़ा दें, किसी ने नहीं पूछा। मेरी जीरे को अपील है जे हुण बंदे वांगू स्टैंड लिया ना तो खड़ा रह और नाम लैके दे पब्लिकली, कला आई जी नहीं, डाउन द लाइन जेडे माफिया उत्थे काम करदे तुहाडे थले उन्होंने नाम लैके दस, ताकि नशिया के खिलाफ एक वड्डी जद्दोजहद पंजाब दे विच खड़ी की जा सके। खैरा राजनीति को बढ़ा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इस राजनीति के खेल में शह और मात की परीक्षा है, क्योंकि अगर खैरा हारे तो आने वाले दिनों में फिर शायद ही उनको कोई गंभीरता से ले। पंजाब टेस्ट, जनता टीवी। जी, अपनी बातें खैरा साफ गोई से कहते हैं और ऐसी साफ गोई में उन्होंने तमाम बातों को रखा भी है। अब इस पर चर्चा लाजमी है और ज़रूरी भी है कि आखिर उनकी बातों के मतलब क्या हैं और साथ ही साथ जिस तरीके की बातें उन्होंने रखी हैं उनमें कितनी सच्चाई है। हमारे साथ हरदीप किंगरा साहब इस वक्त जुड़े हुए हैं कांग्रेस की तरफ से। किंगरा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अशोक तलवार साहब, आम आदमी पार्टी के शहरी प्रधान, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। किंगरा साहब, मैं आपसे एक तो ये जानना चाहता हूँ, आज खैरा उन 70 सालों का हिसाब मांग रहे हैं साहब, कह रहे हैं 70 सालों में घर नसीब नहीं हुआ, पानी नसीब नहीं हुआ, बिजली नसीब नहीं हुई, तो सीधे तौर पर आप ही से सवाल कर रहे हैं? नहीं, हमसे तो नहीं कर रहे, उनके पिताजी भी 10 साल मंत्री रहे हैं, उनसे भी सवाल कर रहे हैं वो अपने पिताजी से।
जी खैरा साहब भी उसमें 5 साल एमएलए रहे हैं, उस पर भी सवाल कर रहे हैं। तो खैरा साहब अपने आप से पूछें कि जब उनके पिताजी मंत्री थे पंजाब में तो उन्होंने क्या किया। ठीक है, वो अपने घर से पूछे और अपने पिताजी से पूछते उस समय के पिताजी आप पानी क्यों नहीं दे रहे लोगों को, क्योंकि वो समय था। आज खैरा साहब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये बातें करने से पंजाब के लोगों का कष्ट दूर नहीं होता है। पंजाब के लोगों का कष्ट जो है वो निवारण जब तक हुआ आप देखते रहे तो वो निवारण होता रहा, लेकिन जब बीच में 10 साल अकाली दल और बीजेपी की सरकार आ गई तो उसका पहिया उल्टा चल पड़ा निजी स्वार्थ के लिए। लोगों ने देखो, जब भी कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है उसका एक प्रोग्रेशन होता है, उसका एक कर्व होता है, और जब वो कर्व गिर जाता है तो उसको उठाने के लिए दुगनी ताकत की जरूरत पड़ती है। आपने देखा होगा किसी मरीज को जब हॉस्पिटल में ले जाते हैं, अगर उसकी प्रोग्रेस होती रहे तो वो ठीक होता रहता है। अच्छा किंगरा साहब, अगर कहीं उसका बीपी गिर जाए ज्यादा तो फिर उसको उठाने के लिए नए स्पेशलिस्ट बुलाने पड़ते हैं। साहब क्या होगा कि 10 साल में क्या सुखपाल खैरा को राजनीति में, पंजाब की राजनीति में आप लोग गंभीरता से ले रहे हैं? बिल्कुल नहीं, सवाल ही आज तक नहीं लिया किसी ने गंभीरता से। आम आदमी पार्टी ने नहीं लिया उसको गंभीरता से, जहाँ से वो एमएलए चुने गए हैं, जहाँ के वो लीडर ऑफ अपोजिशन थे। खैरा साहब लोगों को कहते हैं कि पार्टी बदलनी है, फलाना है। खैरा साहब के पिताजी अकाली दल में थे, सुखपाल सिंह खैरा कांग्रेस में रहे, कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में चले आए, आम आदमी पार्टी से जो है आप वो अपनी पार्टी बनाने लगे हैं, तो कौन उनको गंभीरता से लेगा। और दूसरा, उनके ऊपर एक ड्रग माफिया का केस चला हुआ है एज एन अक्यूज, वो कोई ऐसा नहीं है कि उनके गवाह है ड्रग के केस में, वो सेक्शन 119 का उनको नोटिस मिला हुआ है। उनका जो पासपोर्ट है वो कोर्ट ने इम्पाउंड कर रखा है, वो बाहर नहीं जा सकते देश से। तो ये सारी चीजें जो इतना बड़ा ठीक है, ड्रग्स के मसले पर मैं वापस लौटूंगा किंगरा साहब, और आज जिस तरीके से उन्होंने नशे को लेकर के भी सरकार पर हमला बोला उस पर भी बात कर, तस्करों के साथ तो उनका लिहाज था। ठीक है सर, मैं लौटता हूँ आपके पास। हमारे साथ अशोक तलवार साहब भी जुड़े हुए। तलवार साहब, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आवाज आप तक पहुँच रही होगी। सवाल ये है कि आपकी पार्टी को छोड़कर नई पार्टी बनाने वाले अब आप लोगों को भी राजनीति में आईना दिखा रहे हैं। हाँ हाँ, पहले तो मैं सुखपाल खैरा जी को मुबारक देता हूँ। लोकतंत्र है, इसमें हर व्यक्ति को अपनी पार्टी बनाने का हक है, उन्होंने बना ली, ठीक है। जहाँ तक खैरा साहब का सवाल है, मैं नहीं समझता कि वो कोई गंभीर इंसान है, उनको कोई गंभीरता से लेना चाहिए, तो उनको तो मसला ही नहीं है कोई किसी तरह गंभीरता से लेने का। जनता ने एमएलए बना दिया बिना सोशल मीडिया और बिना गंभीर इंसान को, ये जनता से भूल हो गई? नहीं नहीं नहीं, वो तो जो एमएलए बने हैं वो आम आदमी पार्टी के कारण ही बने हैं। अभी उनमें है तो इलेक्शन लड़के देख सकते हैं, वही प्लग से इलेक्शन लड़के देख सकते हैं। तो मैं नहीं समझता, जो एमएलए बने हैं वो तो आम आदमी पार्टी के ही कारण बने थे। अच्छा रखिए, आप बात पूरी कर लीजिए। हाँ हाँ, तो मैं मतलब अभी उनकी पार्टी है, चलिए उनको शुभकामनाएं हैं, लेकिन पंजाब की जनता सब जानती है, कहते हैं ना ये जनता है ये सब जानती है, सुखपाल खैरा जी साहब ने क्यों पार्टी बनाई, उनके क्या मोटिव है, उनको सिर्फ अपने से ही मतलब है। मैं उनके करीब रहा हूँ काफी, मैंने उनको देखा है, उनकी वर्किंग को देखा है, तो यदि उनमें सेवा का भाव होता तो ऐसे ना करते जैसा उन्होंने किया है। सेवा करनी है पंजाब की, तो अभी उनको 2 साल में याद आ रही है सब चीजें, ये उन आम आदमी पार्टी ने ही सिखाई है उनको। जब वो कांग्रेस में थे, इतने साल कांग्रेस में रहे, तो ये मुद्दे नहीं थे क्या? तब इनको बिल्कुल ध्यान में नहीं आया कि पंजाब के ये मुद्दे है, एजुकेशन का मुद्दा है, डेवलपमेंट का मुद्दा है, स्कूलिंग का मुद्दा है, नशे का मुद्दा है, तब तो नहीं बोले। तो आम आदमी पार्टी का जब ये आम आदमी पार्टी में आए हैं तभी इनको एक पता चला है कि यार इस तरीके से भी राजनीति की जाती है। बूटा सिंह बैरागी साहब हमारे साथ पंजाबी एकता पार्टी की तरफ से जुड़े हुए हैं, एक सवाल उनका जरा उनसे भी जान लेते हैं। बैरागी साहब सबसे पहले स्वागत। दूसरी बात ये कि मेरा जो सवाल है वो ये कि आखिर जिस तरीके से अब राजनीति सिखाने की कोशिश या फिर चेहरा राजनीतिक दलों को दिखाने की कोशिश खैरा साहब कर रहे हैं और 70 साल का हिसाब मांग रहे हैं, तो हरदीप जी ने कहा कि 70 सालों में तो 10 साल उनके पिताजी भी मंत्री रहे पंजाब सरकार में, तो पिताजी से सबसे पहले सवाल क्यों नहीं करते वो? नहीं बिल्कुल, देखो मैं तो हैरान हूँ जिन्होंने भी ये बात कही है, वो पिताजी उनके स्वर्ग आवास हो चुके हैं,
बाकी पार्टी कोई भी हो, एक पार्टी में एक इंडिविजुअल चाहे वो बूटा बिराजी हो चाहे सुखपाल खैरा हो, जब तक किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है नहीं तो कुछ नहीं उस पार्टी को कर सकता। पार्टी का मेन चेहरा क्या है, 70 सालों का मीन से है कांग्रेस पार्टी, बोले तो राहुल गांधी और इंदिरा गांधी और जो इनका परिवारवाद है, इधर अकाली दल बोले तो प्रकाश सिंह बादल जिन्होंने एक्चुअल किया है, जो छोटे होते हो तो है, बाकी मैं नहीं समझता अभी जो बंदा इस दुनिया में है नहीं हम उसको लेके कोई भी ऐसा कोई स्टेटमेंट पे। बैरागी साहब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि 5 साल तक जब वो कांग्रेस में रहे और एक एमएलए के तौर पर भी रहे, उस दौरान भी एजुकेशन सिस्टम की जिसकी आज बात कर रहे हैं सुखपाल खैरा, तब क्यों नहीं सवाल उठाते थे, तब क्यों नहीं आवाज उठाते थे? बिल्कुल बिल्कुल उठाते थे जी, आप उनकी पुरानी डिबेट देख लो, जो भी है प्रेस स्टेटमेंट देख लो, मेरे को तो आप कभी बुलाओ चैनल पे सीधा मैं रिकॉर्ड लेके भी आ जाऊंगा। नहीं तो कैसे कैसे उठाते थे कि कोई सुनता नहीं था, बकायदा आवाज उठा रहे थे, कैसे उठाते थे कि कोई नहीं सुनता था? बिल्कुल, आज अकाली आप कांग्रेस का एमएलए कुलवीर सिंह जीरा बोला है, वो भी तो ही बोला है, उसकी कोई सुन ही नहीं रहा, ऐसे ही पंजाब में तमाम एमएलए की बात कोई सुन ही रहा। ठीक है, मैं हरदीप जी से इसका रिएक्शन ले लेता हूँ। बूटा सिंह साहब अपोजिशन की, हरदीप जी हमारे साथ हैं कांग्रेस की तरफ से, मैं उनका रिएक्शन लेता हूँ। हरदीप जी, बूटा सिंह साहब को आप सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तब जब कांग्रेस में थे तब भी सवाल उठाते थे, आवाज उठाते थे मुखर तौर पर, लेकिन कोई सुनता ही नहीं था। मैं कुछ सच्चाई आपको बताना चाहता हूँ, बूटा सिंह बैरागी जी को भी बताना चाहता हूँ जी। ये मैं भी कभी आम आदमी पार्टी में था, सुखपाल सिंह खैरा से बहुत पहले था, और मैंने अरविंद केजरीवाल को आगाह किया था कि इसको पार्टी में मत लो, और वो मेरे साथ ही झगड़ गए थे कि तुम्हें इसकी डोमिनेंस से डर लगता है इसीलिए तुम इसके उल्ट बोल रहे हो। लेकिन आज उनको पता चलता होगा, तलवे चाट रहे होंगे कि यार ये क्या हो गया, दे मस्ट बी यू नो मेंडिंग देयर हील्स, कि ये कैसे हो गया। तो खैरा साहब देखो, बातें करने को जितनी मर्जी कर ले कोई आदमी, लेकिन खैरा साहब जो है वो आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के गुण गायन करते थकते नहीं थे जब तक कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन थे। जिस दिन उनको लीडर ऑफ अपोजिशन से निकाल दिया गया या उनको कहा गया कि भाई आप लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, गाड़ी घोड़ा बंगला सब छिन गया, जिस दिन वो गाड़ी घोड़ा बंगला छिन गया तो खैरा साहब को तो एकदम डर लगने लगा, ठीक है, दूसरी और उनको अपना भविष्य जो है वो खतरे में नजर आने लगा। दूसरी बात ये थी कि खैरा साहब आम आदमी पार्टी में थे जो कि कहती थी ना हूटर लगेगा ना झंडा लगेगा, जब लीडर ऑफ अपोजिशन थे, मैं आपको वीडियो भेज सकता हूँ जिसमें वो झंडा भी लगाते थे हूटर भी बजता था। अब कहेंगे इस औहदे के साथ सब कुछ जुड़ा हुआ है, तो भाई औहदे के मुख्यमंत्री के औहदे के साथ भी सब कुछ जुड़ा होता है, जेड प्लस के साथ भी सब कुछ जुड़ा होता है, तो फिर वो सुखबीर बादल पे आवाज क्यों उठाते थे? क्योंकि वो तो जेड प्लस कैटेगरी के लोग हैं और जेड प्लस कैटेगरी का एक प्रोटोकॉल है, तो जब जेड प्लस कैटेगरी पे वो सवाल उठाते थे और अपने आप झंडा लगाते थे, आगे पायलट लगाते थे, पीछे स्कॉट लगाते थे, हूटर बजाते चलते थे मिस्टर सुखपाल खैरा, तब तो वो आम आदमी पार्टी में आम आदमी बन के नहीं चले। तो किंगरा साहब, क्या किंगरा साहब आप ये कह रहे हैं कि मौका परस्त है सुखबीर? मेरा रिएक्शन ले लो जी, मेरा रिएक्शन ले लो। हाँ ठीक है, आइए। हमारे बहुत सत्कार जो है किंगरा साहब है उस साइड, बहुत हम इनका सम्मान करते हैं, पर आज पहली बार मेरे को इनकी आवाज से लग रहा है भी ये भी तिन मिलाए हुए हैं, भी घबराए हुए हैं, क्योंकि जब वो खैरा साहब एलओपी के लीडर थे, उन्होंने कांग्रेस का एक मंत्री का और तमाम इशू उठाए, और आम आदमी पार्टी ने कहीं ना कहीं उस इशू की, क्योंकि इनका गठजोड़ होने को था और होने जा रहा था, खैरा साहब को एक बड़ी योजनाबद्ध तरीके से साइड में किया, और एक आज वो अच्छी पार्टी बना के जिनका पंजाबियों को काफी हुंगारा मिल रहा है, पॉलिटिकल मंच पे एक बड़े लीडर के तौर पे उभरे हैं। अभी भी मेरे को लगता है कांग्रेस की ट्रेलियां छुटनी शुरू हो गई हैं, आज मेरे को पहली बार किंगरा साहब की आवाज से ऐसा महसूस हो रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, किंगरा साहब की आवाज कभी नहीं थरथराती, ना कभी आम आदमी पार्टी में थरथराई थी ना कांग्रेस में, क्योंकि ये मेरा कॉन्शियस डिसीजन है। धन्यवाद, मैंने डिबेट पे बैठना है जी, थैंक यू। समझ आई, मैं कांग्रेस में कॉन्शियस डिसीजन से आया हूँ, क्योंकि एक ही पार्टी है जो देश का भला जिसने किया है, ये पंचायत का इलेक्शन इसीलिए हो रहा है कि मणिशंकर अय्यर और राजीव गांधी ने एक्ट पास किया, वरना 20-20 साल इलेक्शन नहीं होता था पंचायत का इस देश में। ठीक है, मैं जरा अशोक तलवार जी से एक सवाल करता हूँ। तलवार साहब, क्या सुखपाल खैरा मौका परस्त है? बिल्कुल, इनमें ईगो बहुत है, वो सिंपल, और उनको एक ही चीज चाहिए कि मैंने हुकूमत करनी है, मैंने सबसे आगे लीड करना है, आप सेवा करनी है सर, पंजाब के लिए बातें कर रहे हो बड़ी बड़ी, आप पहले एमएलए रहे हो, इतनी देर कांग्रेस के रहे हो, क्या किया था आपने, किस तरह एक बार भी इन्होंने आवाज उठाई पब्लिकली, अपने
एरियो में कब आवाज उठाई इन्होंने, इनको सिर्फ यही करना है कि मैंने फ्रंट लीड करना है, मैंने बस भाषण देने हैं, सोशल मीडिया पे रहना है, बस इनका यही काम है। लेकिन पब्लिक, मैंने फिर भी कहता हूँ कि पब्लिक है, ये सब इनके बारे में जानती है, पब्लिक को बताने की इनको जरूरत नहीं है। ये जुमलेबाजी जो मर्जी करते रहे दिखाते रहे, लेकिन इनका करना बिल्कुल है नहीं, और सिर्फ भाषणबाजी है इनकी, खेरा साहब की, जहां तक खेरा साहब का प्रश्न है, ठीक है। और पंजाब के ये मुद्दों से कहीं ये दूर है, केस में दोषी हैं, इनको इनमें जाते हो ना वो सेवा का भाव, वो इनके ये गवाह नहीं है, दोषी है, इसीलिए कोर्ट ने इनका पासपोर्ट जो है वो इम्पाउंड कर रखा है, ठीक है। शायद लोगों को पता नहीं है, वरना अब तक ये 20 दौरे विदेश के मार लेते हैं, इनका पासपोर्ट जो है वो कचहरी में पड़ा हुआ है, ठीक है। एक्चुअली बूटा सिंह बैरागी साहब का संपर्क हमसे टूट गया है, नहीं तो मैं उनसे ये सवाल करता कि मौका परस्त अगर वो नहीं है तो फिर और क्या है। लेकिन सवाल ये है किंगरा साहब कि जिस तरीके से आज कुलबीर जीरा का जिक्र उन्होंने मंच से किया, और उन्होंने सीधे तौर पर इस बात का भी जिक्र किया कि आखिर किस तरीके से कुलबीर जीरा को आप लोगों ने उनका सपोर्ट करने के बजाय उनको आप लोगों ने कारण बताओ एक नोटिस जारी कर दिया, तो आपको फिर शायद मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जहाँ तक ड्रग्स में किसी की कनाइवेंस, किसी पुलिस अफसर की, किसी सियासतदान की, किसी और उच्च अधिकारी की अगर कोई कंप्लीसेंस है या किसी की कोई मिली भगत है, तो वो पंजाब की मौजूदा सरकार कैप्टन अमरिंदर सिंह कभी बर्दाश्त नहीं करती है। आपको याद होगा एक DYSP को जबरदस्ती जो है वो डिसमिस कर दिया, तो फिर ये कारण बताओ नोटिस किस वजह से, क्या जानना चाहते हैं आप उनसे, कारण बताओ नोटिस क्यों भेजा आप लोगों ने कुलबीर जीरा को? कारण देखो, ऐसा होता है कि जब भी कभी परिवार में कोई आपको ग्रीवांस होता है तो वो परिवार में उठाना चाहिए, ठीक है। जिस ये कारण बताओ नोटिस की बात कर रहे हैं, वो कारण बताओ नोटिस मुझे दिया ही नहीं था इन्होंने आम आदमी पार्टी में, और खैरा साहब के आश्वासन पे नहीं दिया था कि इस आदमी को पार्टी से निकालो। मैंने कहा मुझे कौन निकाल सकता है, मैंने इस्तीफा दे दिया। पूछो इनसे कि कारण बताओ नोटिस जो है क्या कहा था मैंने यही कहा था कि एक दिन किंगरा आपका जो सुखपाल खैरा आपकी जड़ों में बैठेगा, और बैठ गया आम आदमी पार्टी की जड़ों में। आज भी सबको पता है, केजरीवाल मानता है इस बात को कि बैठ गया जड़ों में हमारी। इनको पूछिए कि जीरा साहब का कसूर क्या था कि जो इनको ये कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, ये सभी मीडिया के सामने बता दे जीरा साहब का कसूर क्या है। आवाज उठा रहे हैं, एक मुद्दे की आवाज उठा रहे हैं ड्रग्स के अगेंस्ट, बताइए ना उनका क्या कसूर क्या है, किस लिए उनको शो काज नोटिस दे रहे हैं। हर घर का एक अनुशासन होता है, अनुशासन में रहना चाहिए। खैरा साहब तो, सुखपाल खैरा तो अनुशासन में रहने वाले बंदे आप लोग तो एक तरफ ये कहते हैं हरदीप किंगरा साहब की पार्टी में लोकतंत्र है, हर किसी को बोलने का अधिकार है, कैसे रहेंगे अनुशासन में। एक तरफ तो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं आप लोग हरदीप किंगरा साहब, और दूसरी तरफ कोई बोल दे तो उसको कारण बताओ नोटिस जारी कर देते हैं, तो फिर आगे आने वाले दिनों में कौन बोलेगा? ऐसा कुछ नहीं है, बोलने का कोई प्लेटफॉर्म होता है, बोलने का कोई तरीका होता है, मतलब आजादी भी कंडीशन अप्लाई है, कोई बोल दे आजादी पर कंडीशन अप्लाई है, कोई कंडीशन नहीं अप्लाई है आजादी पर, ये आजादी पर कंडीशन नहीं है। तो फिर कंडीशन अप्लाई नहीं है तो क्या, एक तरफ आप कहते हैं कि लोकतंत्र है हर कोई बोल सकता है, दूसरे तरफ जब बोल दे तो फिर उस पर आप कारण बताओ नोटिस दे देते हैं, इसका मतलब ये है कि कहां बोलना है ये तय कर रखा है आप लोगों ने? नहीं, बिल्कुल नहीं तय कर रखा है। एक पार्टी के सिद्धांत होते हैं, उन सिद्धांतों में रह के बिटवीन द लाइंस बोलना पड़ता है। आप पार्टी में रह के जैसा, फिर ये कैसा लोकतंत्र है? अगर बिटवीन द लाइंस ही बोलना है तो ये तो डिक्टेटरशिप है, ये डिक्टेटरशिप है। बिटवीन द लाइंस अगर बोलना है तो ये डिक्टेटरशिप हुआ। एंटी डिफेक्शन लॉ किस लिए है? एंटी डिफेक्शन लॉ किस लिए है? तो ये बताइए ना कि आप ये आप बोलिए ना खुले तौर पर कि कुलबीर जीरा ने अनुशासन तोड़ा है। बिल्कुल नहीं कहा हमने, तो हम उसको कहा गया है कि आप बताएं कि आपने ऐसा जो है वो पब्लिक अड्रेस क्यों किया, तो बता देंगे कारण। तो क्या गलत किया उन्होंने? कारण तो पूछना ही पड़ेगा, गलत क्या किया उन्होंने? कई कारण वो पब्लिकली ना बता पाए, लिख के बता दें। तो साहब उन्होंने गलत क्या किया? उन्होंने नशे को लेकर के सीधे तौर पर अपनी चुप्पी तोड़ी, गलत क्या किया? कुछ भी तो नहीं बोला भाई, कारण को जानना मुद्दे की बात की है उन्होंने, कारण जानना चाहिए। उनका ग्रीवांस पूछा है हमने कि कारण बताओ भाई क्या बात हो गई ऐसी, तो उनका जो अनुशासन तोड़ने का कारण क्या है वो बताएंगे, ग्रीवांस क्या है उनका। तो ये आप मान रहे ना कि उन्होंने अनुशासन तोड़ा है, ये पूछने में कौन सी अनडेमोक्रेटिक बात है कि भैया उनको पता नहीं अनुशासन तोड़ा क्या है, वो नहीं बता रहे कि उन्होंने ये मान रहे हैं कि ये पूछा जाए ना, आप ये मान रहे हैं किंगरा साहब ने अनुशासन तोड़ा है। आप जब भी मुझे लेते हैं आप बोलने नहीं देते मुझे, ये किसी से पूछना कि आपका ग्रीवांस क्या है ये कौन सा गुनाह है? मैं ग्रीवांस पूछना तो चाहिए किसी से, हरदीप किंगरा साहब आपका ग्रीवांस है क्या? किंगरा साहब मैं पूछूं, मैं क्वेश्चन करूं आपसे अगर आपकी इजाजत हो, जब वो बताएंगे ग्रीवांस तभी उसका हल होगा। प्लीज लेट मी अलाउ कि मैं आपसे सवाल कर सकूं। प्लीज मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि क्या आप ये मानते हैं कि उन्होंने अनुशासन तोड़ा है?
बिल्कुल नहीं मानते हम। हमने तो उनको पूछा है कि आपका ग्रीवांस क्या है, बताएं आप कारण, बताएं आपको इतना गुस्सा क्यों आया, ग्रीवांस ये पूछा है हमने। ग्रीवांस अगर टूटा है और उसके उसको लेकर अगर आपका सवाल है तो फिर ये कारण बताओ नोटिस नहीं होता ना साहब। कारण बताओ का नोटिस का मतलब ही ये होता है कि आप कारण बताओ कि आपने ऐसा बिहेव क्यों किया, कारण बताओ कि आपको ऐसा गुस्सा क्यों आया, कारण बताओ कि आपने ये सब बोला उसके कारण बताओ। तो क्या ग्रीवांस के कारण पूछना कोई अनुशासन अनुशासनहीनता होती है? क्या बात करते हैं आप, अब सवाल भैया पूछिए उन्होंने क्या बोला, ऐसा क्या कोई गलत क्या बोला उन्होंने? मुंह लटका के बैठ जाए और मैं आपसे पूछूं भैया आपका मुंह क्यों लटका हुआ है, तो ये क्या अनुशासनहीनता है? अब हरदीप 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 साहब हरदीप साहब उन्होंने क्या बोला मन से, उन्होंने नशे को लेकर बोला, उन्होंने डीजी साहब को लेकर के, डीजी हमने पूछा है कि भाई बात, डीजी छीना साहब को लेकर के उन्होंने अपनी बात रखी, तो बताएंगे कारण वो, तो ऐसे में गलत क्या किया उन्होंने? हमने कब कहा गलत किया? अच्छा। किसी को पूछना कि भाई तुम नाराज किस लिए हो, ये गलती होती है कोई क्या? नोटिस भी दे रहे हैं, शो का नोटिस भी दे रहे हैं, अभी खुद ही कह रहे हैं कि उन्होंने गलत किया। माफी चाहेंगे, आप दोनों को रोक रहे हैं यहाँ पर, वक्त की कमी है, चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और बैरागी साहब भी जुड़े हुए थे थोड़ी देर के लिए, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज की पेशकश में बस इतना है, लेकिन सत्ता है, सियासत है, तो वो गरमाएगी ही और उसका लुत्फ आपको उठाना चाहिए। पेशकश में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।